नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे BIP 119, यानी कि बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 119, बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 119, जो कि मिस्टर जेरमी रूबिन है, मिस्टर जेरमी रूबिन है जिन्होंने इसको ऑथर किया है। बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट जो प्रपोजल है वो किस तरीके से चलता है और कैसे पास होता है और फाइनली इसको कैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाता है, ये सारे प्रोसीजर पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आप BIP के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि BIP 119 जो है वो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उसका आगे जो है बिटकॉइन ट्रांजेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको एक ध्यान होगा, हमने UTXO पे भी एक वीडियो बनाया था, अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट्स जिसे हम बोलते हैं। तो बिटकॉइन जो हमें वॉलेट में दिखता है वो बेसिकली वो नहीं होता है जो हम समझते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन को नेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस होता है वो हमारे पास वहाँ पे दिखता है, तो उसको हम जो है UTXOs बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में हम उसको कॉइन भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, बिटकॉइन भी बोलते हैं, BTC भी बोलते हैं, बेसिकली वो UTXOs होते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर, दूसरे वॉलेट के एड्रेस पर UTXOs सेंड करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को एक प्राइवेट की से हम साइन करते हैं। ये सारा काम जो है जब हम वॉलेट के थ्रू कर रहे होते हैं तो ये सारा काम वहाँ पे होता है। तो उसको जब हम उसको प्राइवेट की से सेंड करते हैं तो हम इसको, उस ट्रांजेक्शन को अथराइज कर रहे होते हैं। उस अथराइज ट्रांजेक्शन को वैलिडेट जो करते हैं उनको माइनर्स बोला जाता है। हमने पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है कि माइनर्स कौन होते हैं, वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन, आपने एक वॉलेट दूसरे वॉलेट में कुछ बिटकॉइन ट्रांसफर किए, उसको आपने प्राइवेट की से ऑथराइज किया और माइनर्स ने उसको वैलिडेट कर दिया कि हाँ, इनके इस वॉलेट के पास इतने UTXOs थे और इन्होंने जो एक दूसरे वॉलेट में जो सेंड किए हैं वो एक लीगल लीगल ट्रांजेक्शन है, वो एक ट्रू ट्रांजेक्शन है, वो एक डबल स्पेंडिंग नहीं है बेसिकली। तो डबल स्पेंडिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है बिटकॉइन में, उसको भी कभी हम डीप में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी ऑन चेन ट्रांजेक्शन होती हैं वो नॉर्मली इस तरह होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन भी होती हैं। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसमें एक स्क्रिप्टिंग का मैकेनिज्म जो है उसमें यूज होता है, जिसमें आप एक स्पेशल फील्ड दिया होता है, उसमें आप ये लिख सकते हैं, आप उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके बिटकॉइन को कब स्पेंड किया जाए और क्यों स्पेंड किया जाए। तो इस तरह आप उसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये दो जो चीज़ें हैं कि कब स्पेंड किया जाए और क्यों स्पेंड किया जाए, किस रीज़न की वजह से स्पेंड किया जाए, ये ऑलरेडी बिटकॉइन जो प्रोटोकॉल है उसमें इंक्लूडेड हैं। इस बार जो ये नया BIP 119 आया है वो बेसिकली जो BTC का जो अपग्रेड है इसको अब एंटर OP अंडरस्कोर चेक टेम्पलेट वेरीफाई इन शॉर्ट CTV बोला जाता है। तो ये भी ए बिटकॉइन में ये एक इम्प्रूवमेंट का प्रपोजल है, बिटकॉइन को एक तरह से अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्रिप्टिंग जो की जाएगी, तो उस स्क्रिप्टिंग में आप ये लिख सकते हैं कि सिर्फ इस स्पेसिफाइड एड्रेस पे मेरे बिटकॉइन जो है जाएं, या एक ये एक समय में मेरे कितने बिटकॉइन BTC जो है स्पेंड किए जाएं, या आप जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने वॉलेट के एड्रेस को भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसी एड्रेस पर, इन इन एड्रेस पर ट्रांसफ़र किए जाएं, उसके अलावा कहीं और ट्रांसफ़र ना किए जाएं। तो दोस्तों, इसमें अगर आपने देखा होगा, अगर आपका बाइनेंस पे या किसी और फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन पे आपके अकाउंट हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक वाइट लिस्ट बना लेते हैं, आपको बोलते हैं कि आप अपना जिस भी वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो उसको आप वाइट लिस्ट में डाल दो, और उस वाइट लिस्ट के अलावा हम आपका कोई भी एसेट किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके जो क्रिप्टो का बैलेंस है उसको हैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5 एड्रेस वाइट लिस्ट कर दिए, तो हैकर अगर उसको हैक भी कर लेगा
तो वो इन 5 एड्रेस के अलावा कहीं और उसको भेज नहीं पाएगा। तो दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज में ये व्हाइट लिस्ट के नाम से होता है, लेकिन अब बीटीसी जो है, बीटीसी जो प्रोटोकॉल है पूरा, उसमें क्षमा करें, उसमें भी इस प्रोसीजर को इंक्लूड कर दिया गया है थ्रू चेक टेम्पलेट वेरीफाई, यानी कि सीटीवी, शॉर्ट में इसको सीटीवी बोला जाता है, और ये बेसिकली है BIP 119, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रोपोजल 119। तो मिस्टर रूबिन ने इसको ऑथर किया है। अब इसके बाद, ये ऑथर होने के बाद, अब इस पे कम्युनिटी जो है डिस्कस करेगी। एक कॉमन स्पेस होता है, बेसिकली मैं ये गिटहब होता है, जहाँ पे ये बिटकॉइन का सारा जो प्रपोजल है और जो आपका सारा इसका सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे रिटर्न में पड़ा हुआ है। कोई भी जो है वहाँ पे अपना प्रपोजल जो है वो दे सकता है, प्रपोजल ऑथर कर सकता है, और बाकी जो कम्युनिटी के मेंबर हैं उस पे अपना कमेंट दे सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ और बता सकते हैं, और फिर ये फाइनल जो है वोटिंग में चला जाता है, और उसके बाद अगर पास हो जाता है तो ये इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है वो सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो सीटीवी अपग्रेड है या BIP 119 है, इसके आने के बाद जो सबसे ज़्यादा फायदा ये होने वाला है कि बिटकॉइन जो ट्रांजेक्शन है, एक तो वो स्केलेबल हो जाएंगी और दूसरा वो बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। ऑलरेडी जो बिटकॉइन जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, लेकिन इस तरह के आने के बाद इसमें सिक्योरिटी का और ज़्यादा जो है एंगल इसमें ऐड हो जाता है। अभी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वॉलेट जो है उसको हैक कर लिया गया और किसी और वॉलेट में जो है बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन अगर आप इस तरह का एक वाइट लिस्ट अपने वॉलेट में बना लेंगे तो इसके बाद हैकिंग जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है अब इथरम की तरह बिहेव करना शुरू कर रहा है। बेसिकली ये इथरम टाइप की क्वालिटी है जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल में जोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन भी थोड़ा थोड़ा इथरम की राह पे जा रहा है, लेकिन अभी भी बिटकॉइन जो है वो BTC जो है वो एक वैल्यू स्टोरेज का ही माध्यम है, वैल्यू स्टोरेज ही उसका पर्पज है, जबकि इथरम जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मशीन के थ्रू चलता है। तो उस EVM और इथरम को फिर किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इसकी UTXOs और ये आपका जो CTV चेक टेम्पलेट वेरीफाई जो BIP 119 आ रहा है, तो बेसिकली उसका सार ये है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।